हेलो फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट की हमने जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस लेक्चर की सीरीज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है अल्टर टेबल कमांड। एसक्यूएल में जो अल्टर टेबल कमांड यूज की जाती है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अल्टर टेबल कमांड का यूज किस लिए किया जाता है। द अल्टर टेबल स्टेटमेंट और कमांड इज यूज टू एड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल। अगर आपने कोई भी टेबल जो है ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है और उसमें जो है आपको उसके स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, यानी उसमें कुछ कॉलम ऐड करने हैं या फिर उसमें से कोई कॉलम जो है डिलीट कर देना है या फिर किसी भी कॉलम का जो है आपको डेटा टाइप या फिर उसकी साइज जो है चेंज करनी है, तो ऐसे जो है एग्जिस्टिंग जो टेबल है उसमें अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए जो है अल्टर टेबल कमांड का यूज किया जाता है। तो अब हम अल्टर टेबल कमांड का जो है सिंटैक्स देखेंगे। अल्टर टेबल फॉर ऐड कॉलम, अगर आपको जो टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है डेटाबेस में उसमें जो है कोई कॉलम जो है आपको अगर ऐड करना है तो उसके लिए जो सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप। अगर आपको जो टेबल अल्टर करना है उसका टेबल का नेम आएगा यहाँ पर और उसके बाद जो है आपको जो कॉलम ऐड करना है वो कॉलम का नेम उसका डेटा टाइप यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अल्टर टेबल एक्टर एड मोबाइल नंबर इंट, तो यहाँ पर जो है हमने जो एक्टर टेबल पिछली बार क्रिएट किया था उसमें जो है हमें क्या करना है तो मोबाइल नंबर नेम का कॉलम जो है एड करना है, तो यहाँ पर लिखा है एड मोबाइल नंबर और उसे डेटा टाइप दिया है इंट। तो सबसे पहले हमने जो पिछली वीडियो में जो टेबल क्रिएट किया था एक्टर, वो वीडियो जो क्रिएट टेबल कमांड का है वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप जरूर देख लें। तो यहाँ पर मैं जो सबसे पहले एक्टर टेबल का डिस्क्रिप्शन जो है आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये कमांड रन कर दी, तो यहाँ पर एक्टर टेबल में देख लीजिए कॉलम कौन कौन से हैं, एक्टर आईडी, एक्टर नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट, ये जो है कॉलम्स है। तो हमें क्या करना है, अल्टर टेबल कमांड का यूज करके हमें जो है इसमें मोबाइल नंबर नेम का कॉलम जो है एड कर देना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल, तो हमें कौन सा टेबल अल्टर करना है, तो टेबल का नेम है हमारे एक्टर, तो यहाँ पर जो है एक्टर टेबल लिख दिया। अब हमें क्या करना है, कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए जो है ऐड कीवर्ड का यूज किया जाता है ऐड। उसके बाद कॉलम का नेम हमारा क्या है, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर जो है कॉलम का नेम लिख दिया मोबाइल नंबर, उसे जो है हमने इंटीजर डेटा टाइप अप्लाई किया है तो यहाँ पर इंट लिख दिया। इसके बाद जो है इसे सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, यहाँ पर मैसेज आ गया है टेबल अल्टर, यानी जो हमारी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम ये जो है फिर से डिस्क्रिप्शन उसका कॉल करके देखेंगे हमें कॉलम एड हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें जो है लास्ट में मोबाइल नंबर नाम का कॉलम जो है एड हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आप कॉलम कोई भी ऐड करने के लिए टेबल में अल्टर टेबल कमांड का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम जानेंगे अल्टर टेबल फॉर ड्रॉप कॉलम्स। अगर आपने जो टेबल बनाए हुए हैं उसमें से अगर कोई भी कॉलम जो है आपको डिलीट कर देना है तो उसके लिए भी अल्टर टेबल का ही कमांड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। आपको जो कॉलम जो है डिलीट कर देना है तो उसके लिए जो है ड्रॉप कीवर्ड का यूज किया जाता है, उसके बाद कॉलम ये भी कीवर्ड है और उसके बाद जो है कॉलम का नेम आएगा। फॉर एग्जांपल है अल्टर टेबल एक्टर ड्रॉप कॉलम एड्रेस, तो यहाँ पर जो है हमने एड्रेस कॉलम को जो है डिलीट कर देना है तो यहाँ पर एड्रेस कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो एड्रेस कॉलम है वो हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैं फिर से अल्टर टेबल कमांड लिख देता हूँ। अल्टर टेबल, हमें कौन सा टेबल अल्टर करना है, तो हमें एक्टर टेबल को ही अल्टर करना है, तो एक्टर टेबल लिख दिया। अब हमें टेबल में से कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए जो है ड्रॉप कीवर्ड का यूज किया जाता है ड्रॉप, उसके बाद कॉलमन, ओके ड्रॉप कॉलमन, ये जो कीवर्ड है इसका यूज किया जाता है। हमें कौन सा टेबल का कॉलम ड्रॉप करना है, तो एक्टर टेबल में जो एड्रेस कॉलम है तो यहाँ पर मैं जो एड्रेस, ये जो है कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर देता हूँ। इसे हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर टेबल अल्टर मैसेज प्रिंट हो रहा है, यानी हमारी क्वेरी जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। हमें फिर से ये टेबल का कॉलम ड्रॉप हुआ है या नहीं है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द
टेबल जो है हम डिस्प्ले करके देखेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर फोर ही कॉलम बचे हैं, एक्टर आईडी, एक्टर नेम, बर्थ डेट एंड मोबाइल नंबर, यानी हमारा जो एड्रेस नाम का कॉलम था वो जो है डिलीट हो गया। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी टेबल में से कॉलम डिलीट करने के लिए अल्टर टेबल कमांड का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे अल्टर टेबल फॉर मॉडिफाइंग कॉलम। अगर आपको कोई भी कॉलम जो है उसका डेटा टाइप या फिर उसकी जो है साइज अगर आपको चेंज कर देनी है तो उसके लिए भी आप अल्टर टेबल कमांड का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप। आपको जिस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है उस कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है अल्टर टेबल एक्टर, मॉडिफाई कॉलम मोबाइल नंबर, नंबर 10। अभी हमने जो अल्टर टेबल कमांड में कॉलम ऐड किया था मोबाइल नंबर, तो उसे डेटा टाइप दिया था इंटीजर। तो हमें क्या करना है, उस मोबाइल नंबर जो कॉलम है उसका डेटा टाइप हमें चेंज करना है। वहां पर इंटीजर की जगह पर हमें जो है नंबर डेटा टाइप अप्लाई करना है और उसकी साइज जो है हमें 10 स्पेसिफाई करनी है। तो इसलिए हमने क्या किया, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नेम दिया है मोबाइल नंबर, उसके बाद जो है डेटा टाइप अप्लाई किया नंबर और उसकी साइज जो है हमने 10 स्पेसिफाई कर दी। अब हम देखेंगे कि अल्टर टेबल कमांड का यूज करके हम जो है कोई भी डेटा टाइप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें अल्टर टेबल का ही कमांड का यूज करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ अल्टर टेबल, हमें कौन सा टेबल अल्टर करना है, तो हमारा टेबल का नेम वही है एक्टर। तो हमें अब मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पर मॉडिफाई जो कीवर्ड है उसका यूज किया जाता है, मॉडिफाई कॉलमन, ये जो कीवर्ड है इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर मॉडिफाई कॉलमन टाइप कर दिया, उसके बाद हमें कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है, तो मोबाइल नंबर नाम का जो कॉलम है उसका डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया था, तो उसे चेंज करके हमें कौन सा देना है, नंबर डेटा टाइप देना है। तो यहाँ पर जो है उस कॉलम को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर ये कॉलम हमने कॉल किया, उसे डेटा टाइप हम अप्लाई करेंगे अब नंबर, और उसकी साइज जो है हम कितनी स्पेसिफाई करने वाले हैं 10, क्योंकि 10 डिजिट के मोबाइल नंबर होते हैं। उसके बाद जो है सेमी कॉलम कर दिया, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारी क्वेरी जो है सक्सेसफुली रन होती है या नहीं होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है आउटपुट में मिसिंग कीवर्ड टाइप की एरर डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर क्या एरर आ गई है, हाँ ओके, हम जो है वर्जन जो यूज कर रहे हैं ओरेकल का, उसमें जो है कॉलमन वर्ड जो है वो नहीं लिखना पड़ता है, 10G से कम के जो वर्जन होंगे उसमें जो है कॉलमन कीवर्ड लिखना पड़ेगा, और 10G या TNG से आगे के जो वर्जन है ओरेकल के उसमें कॉलमन कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं कॉलमन कीवर्ड निकाल देता हूँ और सिर्फ लिखता हूँ मॉडिफाई मोबाइल नंबर, उसका डेटा टाइप नंबर और उसकी साइज 10, और इसे हम रन करके देखेंगे। तो देख लीजिए टेबल अल्टर मैसेज आ गया है। तो ये बात आप भी याद रखिए, अगर आप ओरेकल जो है 10G से पहले के वर्जन यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर मॉडिफाई के बाद जो है कॉलमन कीवर्ड आएगा, अगर आप जो है 10G या 10G से आगे के वर्जन जो है ओरेकल के वो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉलमन कीवर्ड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैसेज आ गया है हमें टेबल अल्टर, तो हमें फिर से देखना है कि हमारे टेबल में जो है वो चेंजेस हुए या नहीं है। तो फिर से डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल नंबर जो है उसका डेटा टाइप नंबर और उसकी जो साइज है कितनी आ गई है 10। तो इस तरीके से जो है अल्टर टेबल कमांड का यूज किया जाता है फॉर एड द कॉलम इन द टेबल एंड फॉर मॉडिफाइंग द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द कॉलम। तो ये सभी करने के लिए जो है अल्टर टेबल कमांड का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके अलावा भी अल्टर टेबल कमांड के बारे में आपका कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे एक कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।